आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में पता चलने वाला है जिसमें केवल एक बार इन्वेस्टमेंट लगने वाला है और बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, और ये बिजनेस आपका एक बार इन्वेस्ट होने के बाद आपको लाखों रुपए कमा कर देगा महीने में। इसी के साथ में यहाँ पर जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आता है कि इस बिजनेस में अभी तक इंडिया में बहुत लो कॉम्पिटिशन है। जो बड़े बड़े सिटीज आपको मिलेंगे वहां पर हो सकते हैं ये बिजनेसेस, बट जो छोटी सिटीज हैं वहां पर कॉम्पिटिशन के नाम पर कुछ है ही नहीं। यहां पर अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए एक बेहतर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा चलने वाला है। इस बिजनेस को कहा जाता है LED वॉल एडवर्टाइजिंग बिजनेस, मतलब जो डिस्प्ले आपको बड़ी बड़ी दिखती है मार्केट्स में, उनके में कई तरीके के एड्स चला करते हैं। उन एड्स को चलाने के वो डिस्प्ले वाले पैसे लेते हैं कि दिन में हम आपको इतनी बार इतने देर तक ये एड चलाएंगे, दिखाएंगे, आपका एड चलाएंगे, और फिर आपसे उसी हिसाब से वो चार्ज लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप अपने डिस्प्ले एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। कितना आने वाला है खर्चा, कितना आपका अर्निंग होगा, इसे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपकी ज़मीन नहीं है फिर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। वीडियो टोटल 5 भागों में डिवाइडेड है, तो इन 5 भागों को अच्छे से ज़रूर समझिएगा अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। इस बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक जगह की जरूरत पड़ेगी जहां पर आप अपनी उस LED वॉल को एस्टैब्लिश करोगे। अब उसे एस्टैब्लिश करने के लिए आपको किस जगह की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, अगर आपके पास खुद की जगह नहीं है, जमीन नहीं है, फिर आप नगर निगम या फिर नगर पालिका से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और उनसे बात करके किसी शहर के मेन चौराहे पर लगा सकते हो। उसका आपको पर ईयर का कुछ चार्ज देना पड़ेगा नगर निगम या फिर नगर पालिका। या फिर अगर आपके जानने में कोई ऐसी बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग वाले को आप जानते हो और वो बीच चौराहे पर कहीं मार्केट के अंदर हो जहाँ पर बहुत अच्छी खासी भीड़ भाड़ होती हो, तो उस बिल्डिंग वाले से आप बात कर सकते हैं। अगर वो बिल्डिंग थोड़ी ऊंची है और उस बिल्डिंग पर भी आप वो डिस्प्ले लगा सकते हैं और उसको पर मंथ के हिसाब से जो आपको बचत होती है उसका कुछ परसेंट दे सकते हैं, या फिर फिक्स आप कर सकते हैं कि हम आपको इतना देंगे। इसके अलावा अगर आप बस स्टैंड पर लगाना चाहते हो या फिर रेलवे स्टेशन पर इसे लगाना चाहते हो तो वहाँ पर नगर निगम या नगर पालिका आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। वहाँ अगर आप इसे एस्टैब्लिश करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो आपको रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड से खुद अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो लोग अगर अप्रूवल देंगे आपको, उसके बाद आप इन्हें लगा सकते हो। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको LED डिस्प्ले खरीदना होगा। बहुत लोगों के मन में ये उथल पुथल चल रही होगी कि अगर हम LED डिस्प्ले खरीदेंगे तो उसे लेके कैसे आएंगे, अगर हमने बहुत बड़ा खरीद लिया है तो बस में ट्रक में आए तो आते नहीं बनेगा, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा अगर लगाना है डिस्प्ले तो काफ़ी बड़ा होगा। आपकी इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक बात क्लियर मैं बता दूँ आपको कि ये जो डिस्प्ले होते हैं ये छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड होते हैं, जैसे 1x1 हो गया, या फिर 2x2 हो गया, या फिर 2x3 हो गया। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होते हैं। जैसे आपके घर का एक फर्श हो गया, तो उस फर्श की जितनी चौड़ाई और लंबाई होती है वो 1x1 समथिंग होती है, उतने बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, और इन टुकड़ों को लेकर आते हैं ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलते हैं। जैसे 2000 रुपये स्क्वायर फीट या फिर 2500 रुपये स्क्वायर फीट, वो क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो जितने स्क्वायर फीट आप टुकड़े लेते हैं उनको बाद में एक साथ असेंबल करके जोड़ दिया जाता है, और फिर सभी जुड़े हुए टुकड़ों में एक स्क्रीन डिस्प्ले शो होती है। मतलब अगर कोई एक चीज़ प्ले करते हैं तो वो सारे टुकड़े मिलके एक चीज़ दिखाते हैं, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप तक ये इतनी बड़ी सी LED TV पहुँचेगी कैसे। साथ ही अगर आप इन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो आप indiamall.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर कई सारे डीलर्स मिल जाएंगे जो इन्हीं सब चीज़ों में डील करते हैं, तो वो आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, सस्ता लगे, वो आप ख़रीद सकते हैं और सही चीज़ खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। मेरे भाई ने एक पूछा था कि अगर हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो अगर हम डिस्प्ले ख़रीद लेते हैं तो ये डिस्प्ले जो बारिश जब होगी तो पानी अंदर जाने की वजह से ख़राब नहीं हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा धूप होगी तो इसका कलर एकदम बाहर से उड़ नहीं जाएगा? तो मैं आपको क्लियरली यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो है 2 तरीके के आते हैं डिस्प्ले। एक होते हैं आउटडोर, दूसरे होते हैं इनडोर।
अगर आउटडोर आप खरीदते हैं तो वो आउटडोर थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा, बट उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो कई तरीके के वेदर झेल सकता है, जैसे आपका बरसात हो गया या फिर बहुत कड़ाके की धूप हो गई, बारिश, इसी के अलावा जो सर्दी हो गई, हर तरीके के मौसम को झेलने की क्षमता होती है उसके अंदर। एंड जो इनडोर होता है वो थोड़ा सा जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं अगर उसमें पानी वगैरह जाएगा। बट इनडोर में क्या होता है, वो शॉपिंग मॉल वगैरह के अंदर लगे होते हैं, तो उनमें बारिश वेदर वगैरह का कोई सिस्टम ही नहीं रहता है। स्टेशंस के अंदर लगे रहते हैं तो उनमें वेदर वाला ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं रहता है। बट जो आउटडोर होते हैं वो बाहर एकदम लगा रहता है खुले में, वो वाटर प्रूफ भी होते हैं, वो सन प्रूफ भी होते हैं, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होते हैं, तो इस बात की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं हम। यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा और चीज़ें लेनी होंगी। जैसे कि आपको एक सिस्टम या फिर एक लैपटॉप लेना पड़ेगा जिसके थ्रू आप उसमें जो भी ऐड शो करना चाहते हैं वो ऐड शो कर पाएंगे। इसी के साथ में आपको एक छोटा सा ऑफिस लेना पड़ेगा जिससे आपके आसपास के जितने व्यापारी हैं जो अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं वो उस जगह पर आकर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। इसी के साथ में आपको अपने एरिया के हिसाब से एक प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अगर इनकम की बात करूँ तो फिक्स इनकम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप लखनऊ के किसी मेन चौराहे पर ऐड करते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। वहीं अगर आप किसी छोटे से ब्लॉक के किसी चौराहे पर ऐड करते हो छोटे से, तो वहाँ पर आपको जो इनकम है वो थोड़ी सी कम मिलेगी। इसलिए यहाँ पर कोई फिक्स परसेंटेज नहीं रहता कि इतनी ही मिलेगी अन्य इनकम आपको अगर हम बात करें। बट यहाँ पर आपको अपना एक प्लान रेडी कर लेना है कि हम आपके ऐड को दिन में इतनी बार दिखाएंगे, लगभग 20 बार दिखाएंगे और 20-20 मिनट तक दिखाएंगे, बट यहाँ पर आपसे मंथ में इतने रुपए चार्ज किए जाएंगे। इसी तरीके से जितने भी ऐड वाले आएंगे, भाई हमें अपना ऐड करवाना है, उनसे आप फिक्स कर लेंगे कि हम आपसे एक महीने में इतने रुपए लेंगे और आपके ऐड को हम महीने में इतनी बार दिखाएंगे, इतनी देर तक दिखाएंगे। इस तरीके से आप अपने प्लान्स बनाकर रख सकते हैं और लोग उन प्लान्स पर आपसे ऐड करवाएंगे, और ऐड बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि लोगों को भी आज के समय में पता है कि बिना ऐड के कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी डिस्प्ले ली है, मतलब कितने स्क्वायर फीट लिया है। अब अगर हम 2000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मान लेते हैं और आपने 50 स्क्वायर फीट ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया 50 स्क्वायर फीट, बट मान लेते हैं आपने 50 स्क्वायर फीट लिया है, तो यहाँ पर उस हिसाब से आपके 1,00,000 रुपये बनते हैं। और इसी के साथ में अगर आपने एक छोटा सा ऑफिस लिया है रेंट पर, इसी के साथ में आपने एक पीसी खरीदा है सिस्टम, तो 1.5 से 2 लाख रुपये तक समथिंग मान के रख लीजिए आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। इसी के साथ में आप इन पैसों को बहुत कम टाइम में रिकवर कर सकते हैं और फिर हमेशा के लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप LED वॉल एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।